ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए जो अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र का पहला लेक्चर आप सबके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसमें हम लोग सबसे पहले पहले आज देखेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, और उसके बाद में हम लोग अर्थव्यवस्था के जो जो प्रमुख जो प्रकार हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और अर्थशास्त्र के जो प्रमुख प्रकार हैं उसको हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र को हम लोग किन स्तरों पे अध्ययन करते हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ने के बाद में आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, इनकी परिभाषा से संबंधित, इनके प्रकार से संबंधित, तो आप आज के लेक्चर के बाद में उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसका रोड मैप पहले हम आपको बता दें कि कैसे हम लोग को किन किन टॉपिक को आज डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो लेक्चर है हम लोग का, ये अर्थशास्त्र का लेक्चर है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग का किस सब्जेक्ट का है, तो ये अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हम लोग का लेक्चर है, और ये इकोनॉमिक्स का सबसे जो है पहला लेक्चर है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो है उसको और आगे हम लोग बढ़ाएं। सबसे पहले पहले हम आपको बता दें कि आखिर हम लोग को आज का जो लेक्चर है इसमें क्या पढ़ना है, यानी कि आज के लेक्चर का जो रोड मैप है उसको पहले पहले हम क्लियर कर दें आपके साथ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, ये हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र कितने प्रकार के हैं और इनका अध्ययन हम लोग किन स्तरों पर करते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के जो प्रकार होंगे इनको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है अर्थशास्त्र का प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे जो है सूक्ष्म अर्थ शास्त्र, ठीक है, या इसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, व्यष्टि अर्थ शास्त्र। ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें देखेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वृहद अर्थशास्त्र, वृहद अर्थ शास्त्र, या इसी को हम लोग समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को देखेंगे, और उसके बाद में अगर और थोड़ा सा टाइम बचा तो हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था, और समझेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र ये दो वर्ड एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं, इस बात को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले हम लोग जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, इस पे बात करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति को लेंगे हम लोग, या फिर कोई भी एक घरेलू जो है उसको लेंगे, कोई घर को लेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि प्रत्येक घर में या प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कुछ आय करता है, कुछ धन को कमाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि कुछ काम करेगा पहले पहले, और काम करने के बदले में उसको पारिश्रमिक मिलता है। क्या मिलता है जी? तो पारिश्रमिक, और यही जो पारिश्रमिक होता है इसी को हम लोग आय कहते हैं। सबसे पहले पहले तो आपका यही क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर आय क्या है। तो आय क्या है जी? तो किसी भी काम को करने के बदले में जो धन प्राप्त होता है, जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उस पारिश्रमिक को ही हम लोग आय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि कोई एक व्यक्ति लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति लिए हम लोग राम, ठीक है, राम एक व्यक्ति है, और
राम के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया कि राम जो है एक जॉब करता है और उसके बदले में उसको महीना में मान के चलिए कि 50,000 रुपया मिलता है। ठीक है, राम एक व्यक्ति है और वो कहीं पे काम करता है, उसके बदले में उसको कितना रुपया मिलता है, तो 50,000 रुपया मिलता है। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया भैया, राम को मिलता है यानी कि इसका आय हो गया। ठीक है, राम ने क्या किया कि कोई काम किया, उसके बदले में उसको 50,000 रुपया मिल गया, तो उसका आय हो गया। अब क्या है कि राम पैसा तो कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है भाई, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा, राम 50,000 रुपया कमा रहा है, तो इसी में मान के चलिए कि इसका 10,000 रुपया जो है ये रेंट में चला गया, रूम का जहां रहता है वहां पर रूम रेंट दे रहा है, 10,000 रुपया उसमें चला गया। फिर 10,000 रुपया जो है, चाहे मान के चलिए कि 15,000 रुपया जो है इसका जो है फूड पे चला गया, फूड यानी कि जो भोजन है उस पे इसका चला गया। 50,000 रुपये में से यहाँ 10,000 रेंट दे दिया, 15,000 दे दिया फूड पे। और भी इसकी जरूरतें हैं, जैसे मान के चलिए कि जो इसका मान के चलिए कि कपड़ा वगैरह हो गया, क्लॉथिंग, तो इस पे मान के चलिए कि इसने 5,000 रुपया पर महीना जो है खर्च करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम जो है, राम ने पहले पहले कुछ रुपया का अर्जन किया, कुछ धन का अर्जन किया, धन को कमाया, आय प्राप्त किया, और फिर क्या किया कि उस आय को, उस धन को इसने अलग अलग मदों में खर्च कर दिया। ठीक है, अलग अलग मद क्या है जी, तो रेंट, फूड, क्लोथिंग, तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग मद हैं, अलग अलग फंड हैं जिसमें कि इसने अपनी राशि को, जो इसका आय था, जो इसका इनकम था, उसको खर्च किया। तो अब समझिए कि यहाँ पे आय और ये तीनों मिला करके हो गए व्यय, आय और व्यय। ठीक है, क्या हुआ कि आय प्राप्त किया और उसके बाद में जब अलग अलग मद में इन पैसों को खर्च किया, तो उसको हम लोग व्यय बोले। तो ये तो हमने राम का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। ऐसा जो है हर एक स्तर पे होता है, ऐसा एक व्यक्ति के स्तर पे भी हो सकता है, ऐसा एक कोई घर है, कोई मतलब उसमें मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं, पांचों कमा रहे हैं, सबका खर्च है, तो एक घर के स्तर पे भी हम लोग ले सकते हैं। एक कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उसके स्तर पर भी हम लोग ले सकते हैं कि कंपनी का इनकम कितना हुआ और उसका जो है एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो उसको भी ले सकते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में हम लोग आय और व्यय, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, तो आय और व्यय क्या ही अध्ययन करते हैं, समझिए बात को। अर्थशास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे जी, तो आय और व्यय का अध्ययन जो है, इसी को हम लोग अर्थशास्त्र कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको क्लियर हो गया होगा, अर्थशास्त्र क्या है, तो आय और व्यय के अध्ययन को ही हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। ये सभी स्तरों पे हो सकता है, एकदम छोटे से छोटे स्तर से लेकर के बड़े से बड़े स्तर पे, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे अर्थशास्त्र का डेफिनेशन धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। और इसमें आपको अगला चीज हम आपको बता दें कि चूंकि अर्थशास्त्र में जो भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं धन के आसपास ही घूमती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो सारी की सारी बातें जो हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, तो धन के। इसीलिए हम लोग इसको धन का विज्ञान भी कहते हैं, धन का विज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो धन का विज्ञान कहते हैं। और इसको आपको हम बता दें, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है कि आखिर अर्थशास्त्र को सबसे पहले पहले धन का विज्ञान किसने कहा था। आपसे ये प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो आपको हम बता दें
कि अर्थशास्त्र को सबसे पहले पहले धन का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ उनका नाम था। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम क्या था? तो एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ के बारे में हम आपको एक और चीज बता दें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने ये बुक लिखा था। ठीक है, एडम स्मिथ ने आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक के जो रचयिता है वो कौन है या किसने लिखा है, तो आपको ध्यान देना है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। और चूंकि इन्होंने सबसे पहले पहले इसको परिभाषित किया, इसीलिए कहा गया कि भाई अपने इतना महान कार्य किया है, आपको कोई सम्मान तो मिलना चाहिए। तो क्या मिले? तो इसके बदले में कहा गया कि आपने सबसे पहले पहले इसको धन का विज्ञान कहा, तो चलिए हम लोग आपको अर्थशास्त्र का जनक कहेंगे, अर्थशास्त्र का जनक। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और एडम स्मिथ ने ही सबसे पहले पहले अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना सारा बात जो हमने आपको बताया वो टोटल जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आपको हम बता दें अर्थशास्त्र के प्रकार से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है उसको अब हम लोग देखेंगे, अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो भी प्रकार है उसको अब हम लोग देखेंगे। और अर्थशास्त्र के अगर प्रकार को हम लोग देखें तो अब हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में। अर्थशास्त्र को दो स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो भी दो प्रकार बनेंगे उसको हम आपको बता दें, तो सबसे पहला जो हम लोग प्रकार देखेंगे उसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, या इसी को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसका पहला जो है आपका हो जाएगा पार्ट। इसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग दूसरे प्रकार की बात करें, पहला प्रकार आपका क्या हो गया, तो पहला हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरे प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, और इसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र को एक और नाम देते हैं, और इसी को हम लोग वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं, वृहद अर्थशास्त्र, या इसी को हम लोग इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र को सबसे पहले पहले धन का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एडम स्मिथ। यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि मेन आपका यही पूछेगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, और इसीलिए इनको हम लोग अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है, जिसमें एक आपका हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, या इसी को हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा आपका हो गया समष्टि अर्थशास्त्र, या इसी को हम लोग वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब थोड़ी सी बात हम आपको इन दोनों के बारे में बताते हैं।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले पहले हम आपको क्लियर कर दें कि व्यष्टि क्या होता है और समष्टि क्या होता है। अगर हम आपको छोटे स्तर पे लेके चलेंगे, ठीक है, सूक्ष्म स्तर पर लेके चलेंगे आपको, हम बायोलॉजी का ये टर्म है, बायोलॉजी में भी पढ़ने को आपको मिलेगा आगे चल के, जब हम पढ़ाएंगे आपको क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा व्यष्टि और समष्टि, ठीक है, और खास करके जब नामकरण बताएंगे तो उसमें भी मिलेगा। अभी फिलहाल उसी से रिलेट करके हम लोग देखते हैं। व्यष्टि वर्ड जो है ये किसी एक जीव के लिए या एक जो व्यक्ति है इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या छोटे स्तर पे। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में देखें तो इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग छोटे स्तर के लिए प्रयोग करते हैं, छोटे स्तर के लिए हम लोग व्यष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी के लैंग्वेज में देखिए तो जैसे मान लीजिए कि आपने हमारे बारे में बात करना शुरू किया, ठीक है, कि दीपक सर, तो दीपक सर क्या हो गए, एक व्यष्टि हो गए। वहीं अगर आप मान लेते हैं कि पूरा जैसे कि क्लासरूम जो है, जो लोग पढ़ रहे हैं, तो पूरे क्लासरूम के बारे में बात कीजिएगा कि ई पाठशाला के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की अगर बात कर दिए आप, तो स्टूडेंट्स में कोई एक स्टूडेंट्स नहीं आ सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से वो एक समष्टि का निर्माण करेगा। और अगर हम लोग किसी खास व्यक्ति का नाम लेके बुलाएं, जैसे दीपक, राम, श्याम, मोहन, इस तरह से बुलाएं, तो वो एक व्यष्टि का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज हो गया। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अगर हम लोग चलें तो व्यष्टि का मतलब होता है छोटा स्तर, ठीक है, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा स्तर। वहीं अगर इकोनॉमिक्स में हम लोग समष्टि की बात करें तो इकोनॉमिक्स में समष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा स्तर, बड़ा स्तर या बृहद स्तर, ठीक है। वहीं अगर बायोलॉजी में इसको हम लोग लेके चले तो किसी खास समुदाय को हम लोग समष्टि कहते हैं। कोई समुदाय रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे समष्टि कहेंगे, कोई समूह रहेगा उसको हम लोग समष्टि कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात क्लियर होगा। व्यष्टि क्या है, तो छोटा स्तर या फिर किसी एक स्पेशल व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जाए तो आपका व्यष्टि होगा, जबकि किसी वृहत स्तर पे, किसी बड़े स्तर पे बात किया जाए तो उसी को हम लोग समष्टि कहेंगे, ठीक है। तो बस यहीं से आपका डेफिनेशन जो इन दोनों का है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पहले हम आपको क्लियर कर दें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा स्तर, यानी कि अगर अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर छोटे स्तर पे किया जाएगा, छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र का अगर अध्ययन किया जा रहा है, अर्थशास्त्र का अध्ययन, ठीक है, तो छोटे स्तर पे अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है तो उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि छोटा स्तर, अगर हम लोग को उदाहरण पूछे तो आप क्या कह सकते हैं, तो छोटे स्तर पे मान के चलिए कि हमने उदाहरण के तौर पे ले लिया अपना खुद का, मान लीजिए कि एक स्वयं का जो बजट है, स्वयं का जो मान लेते हैं कि खर्च है, या अर्थशास्त्र मान लीजिए कि हम कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये किस में रखा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। मान के चलिए कि किसी घर में टोटल कितना इनकम आ रहा है और टोटल कितना खर्च कर रहे हैं वो लोग, अगर उसका अध्ययन करना हो तो भी किस में आ जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर किसी छोटे फर्म की अगर हम लोग बात करें तो उसके अर्थशास्त्र का अध्ययन किस में रखा जाएगा, तो वो भी आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही रखा जाएगा। किसी छोटी सी कंपनी जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के आय और व्यय का लेखा जोखा किस में होगा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी कि जो भी छोटे स्तर पे हम लोग अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है, छोटे स्तर पे अगर हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम आपको बता दें
कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग बड़े स्तर पे, ठीक है, बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे या वृहद स्तर पे हम लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसी को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन वृहद स्तर पे, बड़े स्तर पे किया जाए तो उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, और चूंकि इसमें बड़ा स्तर नाम से ही क्लियर है, बड़ा पूरा वृहद, इसीलिए हम लोग इसको वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा इतना सारा बात समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको देखना है कि आखिर हम लोग जो वृहद अर्थशास्त्र है या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या समष्टि अर्थशास्त्र है तो इसमें किसको पढ़ेंगे। तो बस समझिए, किसी देश का अगर हम लोग को अध्ययन करना हो अर्थव्यवस्था का, किसी राज्य का अगर अध्ययन करना हो या पूरे विश्व का अगर अध्ययन करना हो तो बस आप समझ सकते हैं कि पूरा बड़ा लेवल पे हो रहा है तो उसको हम लोग किसमें रखेंगे, तो उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान के चलिए कि देश में जो सरकारी बजट तैयार होगा, सरकारी जो बजट तैयार होगा तो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे वृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। अगर हम लोग को पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो योजना आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा था उसके बारे में अगर हम लोग को पढ़ना होता तो हम लोग किसमें पढ़ते, तो पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हम लोग किसमें पढ़ते, तो आपका यहाँ पे वृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं अब लागू नहीं होती हैं, ठीक है, ये खास करके जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उसके द्वारा ये लागू किया गया था। हो सकता है कि आगे चल के जब कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से बने, सरकार बने, तो हो सकता है कि इसको पुनः जो है चालू कर दिया जाए, तो फिर उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा आगे चल के। तो अभी फिलहाल में हमने आपको क्या बताया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी वो पूरे देश के लिए बनाई जाती थी और इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते थे। उसके बाद में मान के चलिए कि देश के लिए जो मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, मौद्रिक नीतियां, तो उसको भी हम लोग किसमें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र या वृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्लियर हो गया होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में थोड़ी सी बात हम आपको बता दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या आयाम है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अगर हम लोग आयाम की बात करें तो इसको तीन रूपों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कितने रूपों में अध्ययन किया जाता है, तो तीन स्तरों पे इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपको मिलेगा उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसी में आपको मिलेगा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, और उसके बाद में तीसरा मिलेगा आपका कीमत सिद्धांत। ठीक है, तो इन तीन स्तरों पर मुख्य रूप से आपको यहां पे अगर हम लोग देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं आखिर ये तीनों क्या हैं। तो सबसे पहले पहले हम आपको उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है उसको हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम आपको बता दें कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे राम को बताया था कि एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, 50,000 रुपया बेचारा कमा रहे थे और उसमें से 10,000 रुपया रेंट दे दे रहे थे, ठीक है, रेंट दे दे रहे थे, उसमें से 15,000 रुपया जो है वो क्या कर रहे थे, तो फूड पे खर्च कर दे रहे थे। तो बस समझिए, कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई उपभोक्ता अपनी आय का किस प्रकार से वितरण कर रहा है,
इसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग किसी भी उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त किए गए आय के वितरण को या खर्च करने के तरीके को अध्ययन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति कमाया और उस पैसे का, अपनी आय का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उस उपभोग के अध्ययन को ही हम लोग यहाँ पे देखें तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। देखिए अर्थशास्त्र जब आप पढ़िएगा, पूरा अर्थव्यवस्था के बारे में जब अध्ययन करना शुरू कीजिएगा, तो उसमें आपको दो वर्ड काफी ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जिसमें से एक होता है मांग और दूसरा होता है पूर्ति। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। तो मांग का मतलब ये हुआ कि कोई भी उत्पादक जो है वो क्या करता है कि पहले जो मार्केट है तो मार्केट का स्टडी करेगा, मार्केट का अध्ययन करेगा, बाजार का अध्ययन करेगा कि बाजार में किन वस्तुओं की डिमांड जो है वो बढ़ी है। ठीक है, जो उत्पादक है वो क्या करेगा, तो मार्केट का स्टडी करेगा, उसमें देखेगा कि किन वस्तुओं का डिमांड जो है वो बढ़ा है और उनकी उपलब्धता कितनी है मार्केट में। अगर उपलब्धता कम है तो उसके आधार पे उसको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे उपलब्धता इस वस्तु की कम है तो मतलब इसकी मांग जो है वो बढ़ रही है, और अगर मांग बढ़ रही है तो बताइए कि किस वस्तु का उत्पादन करने में फायदा होगा, तो जिसका डिमांड बढ़ा हो। अरे भाई, जिसकी जरूरत लोगों को ज्यादा होगी वही ना चीज की ज्यादा बिक्री होगी। तो उत्पादक क्या करेगा, जिसकी बिक्री ज्यादा होने की संभावना होगी उसका उत्पादन करेगा। तो बस वही चीज है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं कि इसमें देखा जाता है कि मार्केट में किस वस्तु की मांग ज्यादा है और उसका उत्पादन कितना करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि इसमें वस्तुओं की मांग और उनके उत्पादन की जो मात्रा होती है इसका अध्ययन किया जाता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत। एक बार फिर से समझिए, इसमें यह देखा जाएगा कि मार्केट में किस वस्तु की डिमांड कम है या किस वस्तु की डिमांड ज्यादा है, और उस वस्तु की डिमांड के आधार पे वस्तुओं का जो है वो उत्पादन किया जाता है, और इसको ही हम लोग उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। तीसरा चीज जो है ये होता है कीमत सिद्धांत, ये भी कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड करेगा। अगर वस्तु की मात्रा अगर कम हो जाए, मार्केट में किसी वस्तु की मात्रा कम हो जाए और उसका डिमांड ज्यादा हो जाए तो फिर कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु की मात्रा जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा हो जाए और उसका उपयोगिता जो है, उसको उपयोग करने की जो दर है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाए, तो उस स्थिति में कीमत जो है वो क्या हो जाती है, तो वो कम हो जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से कीमत के निर्धारण से संबंधित सभी क्रियाओं को हम लोग यहाँ पे कीमत सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आज मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा सबको। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के, दो प्रकार के, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग और क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग वृहद अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे अध्ययन किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था को वृहद स्तर पे, बड़े स्तर पे अध्ययन किया जाएगा, जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ठीक है, या पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है उसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो मुख्य रूप से जो छोटे स्तरों पे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने बताया कि इसमें तीन स्तरों पे मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपका एक हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, और तीसरा हो जाएगा कीमत सिद्धांत।
हम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आज का वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो अर्थ शास्त्र है, तो ये तो समझ गए, इसमें एक नया वर्ड सुनने को मिलता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का जो रिलेशन है वो काफी गहरा है, और उस गहरे रिलेशन को ही हम लोग कल के लेक्चर में पूरी गहराई से समझेंगे, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग उत्तर देने की स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जो है आप इन सारी बातों को क्लियर करके रखिएगा, जिससे कि कल के लेक्चर में आपको अध्ययन करने में काफी ज्यादा सहूलियत हो।